हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आपका हमारे सौरा गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में एक ही गमले में दो या तीन प्लांट या उससे भी ज़्यादा कभी कभी लग जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है और उन्हें हमें सेपरेट गमले में लगाना ही पड़ता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे घर में एक बॉन्साई है जो कि प्लास्टिक के प्लांटर में लगी हुई थी और वो काफ़ी बड़ा प्लांटर था, मगर धूप और पानी के कारण वो सड़ गया और टूटने लगा। और साथ ही एक कैक्टस कैटेगरी का भी प्लांट निकल आया था जिसको लगाया नहीं गया था, वो अपने आप ही निकल आया और उसी के साथ वो भी बढ़ने लगा। मगर इसको अब अगर दोनों पौधों को अलग अलग नहीं किया जाएगा तो ये दोनों पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इस प्लांटर को कैसे चेंज करना है, तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, ये बॉन्साई जो आप देख पा रहे हैं ये कम से कम 10 साल पुरानी है और इसी के साथ ये देखिए एक पौधा निकल आया है, वो भी काफ़ी बड़ा हो गया है और उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इतना बड़ा पौधा है और इसमें बहुत बड़े बड़े कांटे हैं, तो बहुत ही एहतियात से इसको निकालना पड़ता है। इसकी जड़ें भी काफ़ी विकसित हो चुकी हैं। ये कैक्टस कैटेगरी का पौधा है और इन पौधों को तो फ्रेंड्स पानी वानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये हमारा बॉन्साई है। आप अपने घरों में कुछ कुछ ऐसे पौधे ज़रूर रखिए जो सालों भर हरे भरे बने रहते हैं। ये उसी कैटेगरी का पौधा है, ये सालों भर आपको हरा भरा ही मिलेगा और इसकी बॉन्साई बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। प्लांटर तो वैसे भी टूट ही गया था और उससे निकालने में कोई इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हुई, प्लांट पकड़ के ऊपर निकाल लिया तो वो मिट्टी पूरी निकल गई। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप चेंज कर रहे हैं तो वो मिट्टी गीली ना हो, अगर गीली मिट्टी होगी तो प्लांटर छोड़ने में दिक्कत करेगी। इसलिए एक दो दिन धूप लग जाए, मिट्टी सूखी हो, उस समय आप प्लांटर बदलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए एकदम भुरभुरी सी मिट्टी है, इसमें कोई भी गीलापन नहीं है और पूरी जड़ें इस तरीके से साफ कर लेंगे, जो पुरानी मिट्टी है पूरी हटा देंगे उससे, क्योंकि बहुत पुरानी मिट्टी में भी पौधे अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं और उनकी मिट्टी चेंज करनी ही पड़ती है। और ये प्रक्रिया हर पौधे के साथ करनी पड़ती है, सिर्फ बॉन्साई की ही बात नहीं है, हर पौधे के साथ ये आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ हो। और ये देखिए जो जड़ें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सी हो गई हैं लंबी, उनकी कटिंग करेंगे, कटिंग करने भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप बॉन्साई बना रहे हैं तो उनकी जड़ों की भी कटिंग बहुत ज़रूरी होती है, इस तरीके से कटिंग कर देंगे अपने हिसाब से। और इनके लिए हमेशा आप शैलो पॉट्स का ही चुनाव करें, लेकिन वो थोड़े बड़े हों, छोटे पॉट्स ना रहें, बड़े होंगे तो कम से कम आपको एक दो साल प्लांटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो अच्छे से ग्रो करेंगे। अब इसमें देखिए ये कितनी जड़ें हैं जो कि इसकी कटिंग करी जा रही है। ये देखिए सारी जड़ें इस तरीके से साफ कर लेंगे और पुरानी मिट्टी पूरी तरीके से उससे हटा देंगे। और हटाने के बाद इसको, ये देखिए अभी भी इसमें जड़ें बची हुई हैं, हटाने के बाद इसकी कटिंग का नंबर आएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि बॉन्साई एक जापानी शब्द है और इसका अर्थ होता है बौने पौधे। बॉन्साई का मतलब कि हम गमले में ही पौधे को एक बड़े पेड़ का आकार दे दें, देखने में बिल्कुल एक बड़े पेड़ जैसा लगेगा मगर वो उतना ऊंचा नहीं होगा। और इसकी कटिंग बराबर करती रहनी पड़ेगी। अभी अभी तो फिलहाल इसकी हम लोग मिट्टी बदल रहे थे, इसका प्लांटर चेंज कर रहे थे, लेकिन साथ ही में इसकी कटिंग भी होनी ज़रूरी थी, क्योंकि बॉन्साई की कटिंग समय समय पर करती रहनी चाहिए तभी वो एक बड़े पेड़ का आकार ले पाएंगे। आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जैसा चाहें वैसी कटिंग कर सकते हैं, आपको जैसा भी ग्रो करना है उसको आगे, उतनी कटिंग उसकी करते रहिए, उसकी प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जितनी एक्स्ट्रा शाखाएँ लग रही हैं उनकी कटिंग कर दी जाएगी और ये कटिंग भी फ्रेंड्स वेस्ट नहीं होंगी। इन कटिंग से फ्रेंड्स नए पौधे तैयार किए जाएंगे और एक शैलो पॉट लेकर के जो कि बड़ा होगा, छोटे पॉट में मत लगाइएगा, बड़ा पॉट लेने से
अच्छा ये रहेगा कि आपको कम से कम 1-2 साल पॉट चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए मिट्टी का प्लांटर है, क्योंकि प्लास्टिक के प्लांटर की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, पानी और धूप में वो सड़ जाते हैं। मुझको तो मिट्टी का ही प्लांटर पौधों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। और ये देखिए इसके लिए खाद बना करके पहले से रखी गई है। दोस्तों इस खाद को तैयार करने के लिए हम इसमें मिलाएंगे कोई भी वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, थोड़ी सी बोन मील और थोड़ा सा फंगीसाइड। ये सब मिला करके हम एक बढ़िया खाद तैयार कर लेंगे। और उसके बाद सबसे पहले जैसा कि गिट्टी एक रख दी थी गमले में जो होल बना है वहाँ पर एक गिट्टी रख दी और उसके ऊपर खाद की एक लेयर को फैला दिया और उसके ऊपर हमने अपने बॉन्साई को रख दिया और उसके ऊपर से फिर इसमें खाद डालेंगे। और इसके लिए पुरानी मिट्टी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो निकाल के रखी हुई है वो अलग रख देंगे हम, उसको सुखा लेंगे और उसको फिर से न्यूट्रिशनल मिट्टी में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए अभी इसका इस्तेमाल इस पौधे में नहीं होगा। और इसमें बाकी तो गार्डन सॉयल है ही है, गार्डन सॉयल में आप थोड़ा कोकोपीट मिला करके गार्डन सॉयल तैयार करिए और ये खाद मिलाइए जो कि बॉन्साई के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। इस तरीके से आप उसमें नई गार्डन सॉयल का इस्तेमाल करिएगा, पुरानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, नहीं तो आपका पौधा अच्छे से ग्रो नहीं होगा। ये देखिए जितनी भी पुरानी मिट्टी थी जड़ों से भी उसकी मिट्टी पूरी हटा दी गई है। ये नहीं है कि जड़ों में मिट्टी लगी है और वैसे ही रख दिया, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। और बाकी जो पहले की मिट्टी है ये देखिए इससे भी सारी चीज़ें हटा करके गंदगी इसको हम अलग रख लेंगे। फ्रेंड्स बॉन्साई को धूप की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, हमें हमेशा इनको ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ धूप मिलती रहे, परमानेंट धूप ना हो लेकिन कम से कम कुछ घंटों की धूप इनको मिले। और अब ये जितना गमला खाली बचा है इसमें हम ऊपर से और भी मिट्टी डालेंगे जिससे कि पौधा हमारा अच्छे से टिका रहे। ये देखिए पुरानी मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, एक नई मिट्टी जो कि पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी उसी मिट्टी में इस पौधे को लगाना है और पूरे गमले में नई मिट्टी ही इस्तेमाल करी गई है। और इस तरह गमले में मिट्टी भरने के बाद आप हल्के हल्के हाथों से मिट्टी को दबा दीजिए। अब आपका ये पौधा लग के तैयार हो गया है। कुछ कटिंग बची है इसमें, कुछ हिस्से बच गए हैं तो उसको भी प्रूनिंग कर देंगे। और ये कटिंग जो निकल रही हैं इनको हम फेंकेंगे नहीं, इनसे हम नए पौधे तैयार करेंगे। फ्रेंड्स इस तरीके से आप और भी नई नई बॉन्साई से तैयार कर सकते हैं। बॉन्साई जितनी ही पुरानी होती है उतनी ही अच्छी मानी जाती है और उतना ही अच्छा शेप उसका आता है और उतनी ही ज़्यादा कॉस्टली होती हैं वो। मार्केट में आप कभी भी पता करिए आपको हजारों रुपए की बॉन्साई मिलेंगी। ये देखिए सब कुछ करने के बाद इसमें हल्का हल्का पानी डाल देंगे। और वैसे भी जब भी आप बॉन्साई को पानी दीजिए तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, पौधे में नमी बनी रहे बस इतना पानी दीजिए। अभी इस समय लगाया गया है नया नया इसलिए इसको इतना पानी दिया है कि इसमें जो खाद वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए, कायदे से लग जाए। ये देखिए बिल्कुल लग चुका है, लग के तैयार हो गया है, ये इसका प्लांटर चेंज हो चुका है। इस तरीके से अगर आपको भी अपना प्लांटर चेंज करना है और आप सोच रहे हैं कि कैसे करें तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। और अब नंबर आया है दूसरे पौधे का जो कि उसी प्लांटर में निकल आया था। ये कैक्टस कैटेगरी का पौधा है तो हम इसमें इस वाली सॉइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि हमने बॉन्साई में की है। इसके लिए हम सिंडर सॉइल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। हमारे कैक्टस, रोज, अडेनियम, सकुलेंट्स के लिए सिंडर सॉइल मीडिया बहुत ही अच्छी होती है, इससे हमारे पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। उस सॉइल को आप कैसे बना सकते हैं इसका एक वीडियो भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि आप घर में भी सिंडर सॉइल मीडिया कैसे बना सकते हैं। तो ये जो प्लांटर है फ्रेंड्स ये देखिए इसमें सिंडर सॉइल मीडिया पहले से ही भरा हुआ है और जितनी भी वो कटिंग्स थी
वो सब उसमें लगा दी थी और इसको भी हम फिलहाल इसी में ही लगा देंगे, क्योंकि इसमें बहुत मोटे मोटे कांटे हैं इसलिए बहुत ही एहतियात से लगाना पड़ेगा। ये देखिए कोई भी कटिंग वेस्ट नहीं जा रही है, सब लग जाएंगी। और लगाने के बाद थोड़ा सा हिस्सा गमले का बस छोड़ करके, एक अंगुल या दो अंगुल का हिस्सा छोड़ करके पूरे में हम मिट्टी भर देंगे। अगर आप भी कांटे वाले पौधे लगा रहे हैं तो ग्लव्स पहन लीजिए, और नहीं तो अगर ऐसे ही लगा रहे हैं तो काफ़ी सावधानी से आप लगाइए उसको। ये देखिए इसी तरह खुरपी से ही उसकी मिट्टी को फैला रहे हैं, हाथ नहीं लगा सकते। ये देखिए कितने मोटे मोटे बड़े बड़े कांटे हैं इसमें। तो जितनी भी कटिंग्स थी वो भी लग गई हैं इसी में, और जो हमारा बड़ा पौधा निकला था उस पहले वाले प्लांटर में वो भी इसी में लग गया है, और कुछ ही दिनों में ये भी तैयार हो जाएगा। इस तरीके से सिंडर सॉइल बना के रखी हुई है। इसको बनाने के लिए 80% सिंडर सॉइल और 20% मिट्टी और खाद होती है। इन पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन धूप अच्छी चाहिए होती है। तो आप इन पौधों को टेरेस पर रखें या नीचे भी रख रहे हैं तो जहाँ धूप आ रही हो वहीं पर इन पौधों को आप रखें तो आपके पौधे बहुत ही अच्छे चलेंगे। सिंडर सॉइल जो कि खंगर से बनती है, इसमें कुछ हिस्सा गार्डन सॉइल का होता है, बाकी खंगर से बनी हुई सॉइल ही इस्तेमाल होती है। ये आपको देखने में लगेगी कि जैसे लग रहा है कि कंकड़ कंकड़ से है, इसमें मिट्टी है ही नहीं, लेकिन इसमें मिट्टी मिला करके कुछ हिस्सा मिलाया जाता है, ज़्यादा नहीं मिलाया जाता। और ये देखिए ये पौधा भी हमारा लग गया है। अब दोनों ही पौधों के प्लांटर चेंज हो चुके हैं और इसमें जो छोटी छोटी कटिंग्स लगी हुई हैं इससे नए नए पौधे फिर हमारे बन जाएंगे। आप फ्री में ही घर में बहुत सारे पौधे इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे बॉन्साई की जितनी कटिंग निकली थी उनको हम वेस्ट नहीं करेंगे। उनके उन शाखाओं का निचला हिस्सा वहाँ से हम पत्तियों को हटा देंगे, और उसको हटाने के बाद एक नया पॉट ले लेंगे, उसमें इन शाखाओं को जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसे ऐसे गाड़ देंगे। जब इन शाखाओं पे हम कट मारेंगे चाकू या ब्लेड की सहायता से आप उसको कट कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे जो कट आप लगा रहे हैं वो हल्का सा तिरछा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा कट मत मारिएगा। ये देखिए नीचे की पत्तियों को इस तरीके से काट दीजिए कैंची चाकू ब्लेड जिससे भी आपको सुविधा लगे उससे काट के बाकी पत्तियों को हटा दीजिए। और ये देखिए हल्का तिरछा कट लगा हुआ है, इसी तरीके से कट करना है आपको और उसको प्लांटर में लगा देना है। और ये देखिए अब इसमें आपके नए नए प्लांट्स तैयार हो जाएंगे, जितनी भी कटिंग्स हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी, इसीलिए थोड़ा बड़ा प्लांटर लिया गया है। तो आपके यहाँ भी कोई प्लांटर है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप किचन में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या बाल्टी है या डिब्बा है कुछ भी है, आप उसमें भी लगा सकते हैं। ग्रो ही तो करना है, उसको ग्रो होते रहेंगे। इस तरीके से आप नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं, और जब भी आपके ये प्लांट तैयार हो जाएंगे तब आप इनको नए नए प्लांटर में लगाइए और अपने घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास बहुत पुराने पुराने बॉन्साई हैं, लगभग 25-30 साल पुराने भी बॉन्साई हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी, कभी वीडियो लेकर आऊंगी बॉन्साई का, तब मैं आपको दिखाऊंगी उनको। और ये बहुत टाइम ज़रूर लेते हैं, लेकिन जब बन जाते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और जितना पुराना बॉन्साई उतना कॉस्टली होता है। ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने, प्लांटर चेंज करना कोई बहुत ही कठिन काम नहीं है, बस थोड़ी सी सूझबूझ से करना पड़ता है और बहुत ही आसानी से घर में ही काम हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।